नमस्कार दोस्तों, टाइम को वेस्ट ना करते हुए आज की इस वीडियो में योगी आदित्यनाथ की कुछ ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में बताने की कोशिश करूंगा जो योगी आदित्यनाथ के काफी करीब है। इसे एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट या फिर ड्रीम प्रोजेक्ट भी कह सकते हैं। ऐसे में देखते हैं कि वह कौन कौन से महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट हैं जो योगी आदित्यनाथ द्वारा अपने पर्सनल गाइडेंस के रूप में इसे तैयार किया जा रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, बट उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे वीडियो को पूरा देखना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। कोई भी क्वेश्चन इंक्वायरीज के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो जरूर फॉलो करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। योगी आदित्यनाथ की पहली ड्रीम प्रोजेक्ट है विंध्याचल कॉरिडोर रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। गंगा किनारे बनाया जा रहा है विंध्याचल कॉरिडोर, जहां देश नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों से मत्था टेकने के लिए लोग आते हैं। बट अभी रिसेंटली यहां पे सख्ती गलियों की वजह से लोगों को काफी ज्यादा परेशानी होती है, और इसीलिए योगी आदित्यनाथ द्वारा एक ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत काशी के तहत इसे विंध्याचल कॉरिडोर को 300 करोड़ की लागत से डेवलप किया जा रहा है, जिसके आसपास की सड़कों को 50 फीट चौड़ी की जानी है, मंदिर परिसर के रूप में से डेवलप किया जाना, जिसकी डेवलपमेंट अभी काफी तेजी से हो रही है और उम्मीद है कि 2022 के एंड तक यह पूरी तरह से डेवलप भी हो जाएगी। एक बार यह प्रोजेक्ट बन जाने के बाद गंगा घाट से डायरेक्ट मंदिर परिसर को आप देख पाएंगे और वहीं से डायरेक्ट इसके जल अर्पित कर सकेंगे। ऐसे में आप इसे कह सकते हैं कि इसे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से इंस्पायर्ड होकर इसे बनाया जा रहा है। ऐसे में देखना होगा कि यह विंध्याचल कॉरिडोर जो योगी आदित्यनाथ की ड्रीम प्रोजेक्ट है वो कब तक बनकर तैयार होती है। वहीं योगी आदित्यनाथ की दूसरी सबसे बड़ी ड्रीम प्रोजेक्ट है पावन पथ। बनारस में बनाया जा रहा यह पावन पथ विश्वनाथ कॉरिडोर के आसपास के 100 से अधिक प्रमुख मंदिरों को कनेक्ट करके डेवलप किया जाना है, जिसका सेंटर काशी विश्वनाथ धाम भी होगा। बट इसी के तहत इस पूरे पथ को निर्माण किया जाना है, जहां पे सभी तरह के भारतीय संस्कृति और पवित्र शहर के रूप को बरकरार रखने के लिए योगी आदित्यनाथ द्वारा इस पावन पथ को डेवलप करने का एक प्रण लिया है, जहां ना सिर्फ एक पथ के रूप में एक सड़क को बनाया जाना है बल्कि इस पथ को बहुत ही आधुनिक और वर्ल्ड क्लास के रूप में आसपास के एरिया को बहुत ही अच्छे तरीके से डेवलप करके यूरोपियन स्टाइल में यहां पे डेवलप किया जाना है, जहां पे आसपास के जगह पे शॉपिंग मॉल्स, टॉयलेट, गार्डन्स, मार्केट को बनाया जाना है जो पूरी तरह से विश्व स्तरीय भी होगी। और इसी सड़क के तहत इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को भी चलाया जाना है, जिसके तहत काशी विश्वनाथ के जितने भी आसपास में 100 से ज्यादा मंदिर हैं उसको इस इलेक्ट्रिक व्हीकल से आप आराम से एक्सप्लोर कर सकते हैं। ऐसे में देखना होगा कि ये योगी आदित्यनाथ की दूसरी जो बड़ी प्रोजेक्ट है वो कब तक बनकर तैयार होती है। तीसरा सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है नोएडा फिल्म सिटी प्रोजेक्ट। हॉलीवुड फिल्म सिटी के तरफ प्रपोज किया गया फिल्म सिटी योगी आदित्यनाथ की एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट में से एक है, जिसे यदा सिटी के तहत नोएडा में एक विश्व स्तरीय बॉलीवुड से भी कई अच्छी और आधुनिक फिल्म सिटी के रूप में बनाया जाना है। रिपोर्ट्स की बात करूं तो इस फिल्म सिटी को जनवरी 2022 में कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी गई थी, जिसमें इनिशियल फेज में तकरीबन 1000 एकड़ में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनाया जा रहा है, जो इनिशियल फेज में तकरीबन 6000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की जानी है, जिसमें सभी बेसिक चीजों का निर्माण किया जाना है, जैसे कि स्टूडियो, ओपन एरिया, पार्क, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल इत्यादि को बनाया जाए। वहीं योगी आदित्यनाथ की यह ड्रीम प्रोजेक्ट होने की वजह से यह सख्त निर्देश दिया गया है इसे बॉलीवुड से कई अधिक और आधुनिक के रूप में से बनाया जाना है। ऐसे में नोएडा में ही दो और बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण ड्रीम प्रोजेक्ट है जो योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट में से शामिल है। जैसे कि पहला है वो है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे एशिया के सबसे लार्जेस्ट एयरपोर्ट के रूप में योगी आदित्यनाथ द्वारा जेवर एयरपोर्ट को एक ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के तर्ज पर बनाया जा रहा है, जिसकी निगरानी खुद योगी आदित्यनाथ जी रख रहे हैं। वहीं दूसरा प्रोजेक्ट है नोएडा को एक इंडस्ट्रियल हब के रूप में, इकोनॉमिक सिटी के रूप में डेवलप करना। हाँ जी दोस्तों, आपने सही सुना, अभी जैसा नोएडा उसी के टच पर पूरे ग्रेटर नोएडा को भी विकसित किया जाना है, जो नोएडा से काफी सुंदर और आधुनिक होगी, जो किसी यूरोपियन कंट्री से कम नहीं होगी। ऐसे में देखना होगा कि नोएडा का यह तीनों ड्रीम प्रोजेक्ट कब तक बनकर तैयार होता है। वहीं योगी आदित्यनाथ की अगली बड़ी प्रोजेक्ट है गोरखपुर माइन ड्राइव प्रोजेक्ट। रामगढ़ तालाब, जिसे पूर्वांचल का माइन ड्राइव भी कहा जाता है, से योगी आदित्यनाथ द्वारा मुंबई के माइन ड्राइव की तर्ज पर एक विश्व स्तरीय रूप में इसे 4 लेन के रूप में माइन ड्राइव को बनाया जा रहा है, जहां थीम पार्क, वाटर पार्क, लेजर लाइट शो, आसपास के एरिया में स्ट्रीट लाइट लगाना और इस पूरे सड़क के आसपास को वर्ल्ड क्लास के रूप में विकसित करके कॉन्क्रीट बेंच इत्यादि को लगाना और एक सिस्टेमेटिक तरीके से यहाँ पे बिल्डिंग्स इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना योगी आदित्यनाथ की एक ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से एक है। ऐसे में देखना होगा कि गोरखपुर का ये माइन ड्राइव कब तक मुंबई के माइन ड्राइव के तर्ज पर विकसित हो पाता है, क्योंकि मुंबई का माइन ड्राइव भारत की सबसे सुंदर माइन ड्राइव के रूप में जाना जाता है और वह भारत की सबसे आधुनिक और वर्ल्ड क्लास भी है। ऐसे में गोरखपुर का माइन ड्राइव बनने में काफ़ी
टाइम लगेगा, बट योगी आदित्यनाथ की ड्रीम प्रोजेक्ट है, तो हम लोग होप कर सकते हैं कि यह जल्द से जल्द इसे मरीन ड्राइव के तौर पर विकसित किया जाएगा। इसके अलावा भी गोरखपुर में बहुत सारे ड्रीम प्रोजेक्ट हैं जो योगी आदित्यनाथ द्वारा बनाए जा रहे हैं, जिनमें से एक मोटा मोटी अगर मैं आपको बताऊं तो इस पूरे गोरखपुर को पूर्वांचल का एक इंडस्ट्रियल हब के रूप में, एक बिजनेस हब के रूप में इसे डेवलप किया जाना है, जो खुद योगी आदित्यनाथ जी इस चीज़ का नेतृत्व कर रहे हैं। और इसी के तहत गोरखपुर को एक आधुनिक और वर्ल्ड क्लास के रूप में, एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के रूप में इसे डेवलप किया जाना है, जो नोएडा के तर्ज पर इसे विकसित किया जाएगा। ऐसे में देखना होगा कि गोरखपुर को कब तक नोएडा के तर्ज पर विकसित किया जाता है। अभी रिसेंट में उसकी ब्लू प्रिंट आई है, जिसे गीडा के अंतर्गत तकरीबन 8-8-6 एकड़ जमीन पर एक इकोनॉमिक सिटी बनाने का प्रस्ताव पास कर दिया गया। इसकी डेडलाइन अभी से लेकर 30 साल बाद आने की 2050-60 तक इसे बनाकर पूरा किया जाना है, जो किसी यूरोपियन कंट्री से कम नहीं होगी। ऐसे में देखना होगा कि यह गोरखपुर को कब तक पूरी तरह से डेवलप कर पाता है। वहीं नेक्स्ट प्रोजेक्ट है स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड रामा, दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति के रूप में से बनाया जाना है। अगर मैं इसकी हाइट की बात करूं तो तकरीबन इस मूर्ति की हाइट 251 मीटर होगी, जो दुनिया की सबसे ऊंची स्टैचू के रूप में से सरयू नदी के पास बनाया जा रहा है। इसके अलावा भी अयोध्या में एक और बड़ी महत्वपूर्ण और ड्रीम प्रोजेक्ट योगी आदित्यनाथ की है, जिसका नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट। इन दोनों को योगी आदित्यनाथ के पर्सनल गाइडेंस के रूप में से डेवलप किया जाना है, जो नव अयोध्या के रूप में, वैदिक अयोध्या के रूप में डेवलप किया जा रहा है। ऐसे में देखना होगा कि योगी आदित्यनाथ की यह ड्रीम प्रोजेक्ट कब तक बनकर तैयार हो पाती है। वैसे तो अभी इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं हुई है, बट हाँ जल्द से जल्द यह कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी और उम्मीद है कि 2030 से पहले यह पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगी। वहीं योगी आदित्यनाथ की अगली सबसे बड़ी ड्रीम प्रोजेक्ट है रेडीमेड गारमेंट हब प्रोजेक्ट। उत्तर प्रदेश के लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट में रोजगार को अवसर को बढ़ाने के लिए योगी आदित्यनाथ द्वारा सभी डिस्ट्रिक्ट में एक गारमेंट हब के रूप में डेवलप किया जाना है, जिसमें हर डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन 10,000 लोगों को डायरेक्ट रोजगार भी मिलेंगे। ऐसे में देखना होगा कि योगी आदित्यनाथ की यह गारमेंट हब ड्रीम प्रोजेक्ट कब तक बनकर पूरा हो पाता है और कितने लोगों को रोजगार मिल पाता है। वहीं आज का इस वीडियो का जो सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण ड्रीम प्रोजेक्ट है योगी आदित्यनाथ की, वो है कानून राज स्थापित करना। हाँ जी दोस्तों, आप सभी ने सही सुना, योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के रूप में एम्बिशन भी बोल सकते हैं, जिसका एक ही मकसद है कि पूरे उत्तर प्रदेश में कानून राज स्थापित करना। ऐसे में देखना होगा कि यह योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षी एम्बिशन सच में पूरा हो पाती है या फिर नहीं हो पाती। अगर मैं रिसेंट अपडेट की बात करूं या फिर रिपोर्ट्स की बात करूं, तो लगभग 70% कानून व्यवस्था अभी तक ठीक हो गई है, 30% अभी रह गई है, जिससे आने वाले टाइम में इसे पूरा किया जाना है। ऐसे में इस पर पर्सनल मेरा कोई ओपिनियन नहीं है, बट आप इसके बारे में क्या सोचते हैं प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आप ये योगी महाराज की जितने भी ड्रीम प्रोजेक्ट है उसके बारे में क्या सोचते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिलहाल आज का ये वीडियो मेरा यहीं पे एंड होता है। आई होप वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कोई भी क्वेश्चन इंक्वायरीज के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो ज़रूर विजिट करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।